मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप। प्रत्येक विषय की या जिस विषय का अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता अध्ययन कर रहा है उसकी कामन बातें निकाल लेता है, तो वह उस चीज के परम सत्य को जान लेना चाहता है, सत्य को जान लेना चाहता है कि इसमें आदर्श प्रारूप क्या है, उसकी कामन बातें क्या हैं, समान बातें क्या हैं जिसको सभी समाजों पर लागू किया जा सकता है। प्रत्येक धर्म, विषय, समाज उस परम सत्य को जान लेना चाहता है, उस वास्तविक सत्य को जान लेना चाहता है, और समाजशास्त्र भी सत्य की खोज का ही एक साधन है, शास्त्र है, माध्यम है, जिसके द्वारा वह लगातार सत्य की खोज कर रहा है कि कैसे इस समाज को आदर्श बनाया जाए, आदर्श प्रारूप के अनुसार डाला जाए, कि इसमें क्या कामन बात, पूरे विश्व के समाजों में क्या कामन बातें हैं, क्योंकि समाजशास्त्र जीवंत विषय है। इतिहास को हम देखते हैं तो पुरातत्ववेत्ता किसी संस्कृति की खोज करते हैं तो उसमें वास्तु शास्त्र मिलता है, खुदाई में विभिन्न अवशेष मिलते हैं, तो वह उस समय के अवशेषों को बताते हैं, भौतिक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, परंतु उस समय के लोगों के आचार विचार कैसे थे, मनोभाव कैसे थे, व्यवहार क्या करते थे, उसका इतना आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। और समाजशास्त्र का उद्देश्य उनके व्यवहारों का अध्ययन है, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है, उनके समूहों का अध्ययन है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन है कि वो समाज आखिर किस प्रकार विकसित हुआ, वे कैसे रहते थे, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान कैसा था, कैसे संस्कृति बनी, कैसे लोग आपस में घुले मिले, समूह में रहना शुरू किया, आदि उसका विषय है। और उसका उद्देश्य यह भी है कि समाज को कैसे एक आदर्श रूप में व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा स्थापित किया जा सके, जिससे सभी समाज शांतिपूर्ण ढंग से रह सके, उसका पूरा विकास हो सके, चरम विकास हो सके, पूर्ण विकास हो सके। परंतु वह विकास क्या होगा, उसकी स्पष्ट अवधारणा अभी भी समाजशास्त्रियों के मन में नहीं है कि एक आदर्श समाज जब पूरा विकसित हो जाएगा तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें तो हमको मालूम है कि उसमें शांति होनी चाहिए, आचार विचार अच्छे होने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर सभी लोग शांतिपूर्वक रहने लगेंगे तो फिर वो करेंगे क्या, उनका विकास कहीं रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये संघर्ष भी कहीं ना कहीं आदमी के विकास के लिए आवश्यक है और उसको बोरियत को समाप्त करने वाले विषय हैं। कुछ न कुछ समस्या जीवन में बनी रहती है और मनुष्य उन समस्याओं से जूझता हुआ आगे बढ़ता है, उसका दिन गुजर जाता है समस्याओं से गुस्से लड़ते हुए। यदि सभी शांतिपूर्वक रहने लगेंगे, सभी के पास समान धन होगा तो कोई कुछ कार्य करेगा नहीं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं समाजशास्त्रियों के पास, जिससे एक स्पष्ट अवधारणा बनाने के लिए अभी भी समय की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है, संगोष्ठियों की आवश्यकता है कि एक आदर्श समाज जब बन जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, कैसे उसका विकास लगातार बना रहेगा, निरंतर विकास की ओर समाज अग्रसर होगा। ऐसे कई विषय हैं जो समाज शास्त्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और अभी भी कई समाज अत्यंत गरीब हैं, कई सामाजिक समस्याएं हैं, कई रीति रिवाज ऐसे हैं जो दूसरे समाज के लिए आश्चर्य का विषय प्रस्तुत करते हैं। कई समाज की अनोखी बातें हैं जो दूसरे समाज के लिए नवीन हैं, अनुकरणीय भी हैं। अगर सभी समाजों की अच्छी बातें इकट्ठी कर भी ली जाएं, तो वो देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। ये एक विचार के लिए समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आज विचारों का आदान प्रदान किया गया था। आपके भी कुछ विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।